हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बनाएंगे मेथी आलू की सब्जी। तो चलिए देख लेते हैं इसे बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। यहाँ पर हमने लगभग 300 ग्राम मेथी और सोया दोनों को मिक्स करके लिया है, यानी कि आधा हमारा सोया है और आधी मेथी है। दोनों को हमने धो करके एक साथ काट लिया है और दो आलू लिया है जिसे हमने काट लिया है, दो कटे हुए टमाटर, एक कटी हुई प्याज और लहसुन हमारा ये लगभग 2 छोटे चम्मच है। इसमें लहसुन जो है थोड़ा सा ज़्यादा लगता है, इसीलिए हमने ज़्यादा लिया है। दो हरी मिर्च, जीरा हम लेंगे आधा छोटा चम्मच, हल्दी पाउडर लेंगे आधा छोटा चम्मच, लाल मिर्च पाउडर लेंगे 1/4 छोटा चम्मच, नमक स्वादानुसार, हींग लेंगे चुटकी भर। तो चलिए अब हम मेथी आलू की सब्जी बनाना शुरू करते हैं। मेथी आलू की सब्जी हम लोहे की कढ़ाई में बनाएंगे क्योंकि लोहे की कढ़ाई में सब्जी अच्छी बनेगी। यहाँ पर हमने 2 बड़े चम्मच तेल लिया है, तेल गर्म हो गया है, लहसुन डाल देंगे। जीरा भी डाल देंगे और हींग। अब इसको हम थोड़ी देर भूनेंगे। तो लहसुन हमारा हल्का भून चुका है, अब डालेंगे प्याज। तो प्याज भी हमारा हल्का भून चुका है, अब डालेंगे हल्दी पाउडर। और हरी मिर्च, अब डालेंगे आलू, मिला देंगे अच्छे तरीके से। अब हम डालेंगे मेथी और इसे धीरे से मिलाएंगे और गैस को अब हम लो फ्लेम पे कर देंगे। इस सब्जी में हमें पानी नहीं मिलाना है, इसीलिए हम इसे लो फ्लेम पे पकाएंगे। तो अब सब्जी को हम लगभग 5 मिनट के लिए ढक देंगे। तो आइए चेक कर लेते हैं, 5 मिनट हो गए हैं। अब इसे हम चम्मच से चलाएंगे। ये देखिए अब मेथी जो है अब देखिए सूख गई है। अब इसमें हम नमक डाल देंगे अब अच्छे तरीके से मिला देंगे। तो लगभग 5 मिनट के लिए हम फिर से ढक देंगे और गैस अभी लो फ्लेम पे ही रखेंगे। तो सब्जी पकते हुए 5 मिनट और हो चुके हैं। अब हम डाल देंगे टमाटर और आलू। देखिए कट रहा है, यानी कि आलू पक गया है। तो टमाटर डाल देंगे और ऐसे जो है ढक देंगे टमाटर को। अब लगभग 2 से 3 मिनट के लिए और ढक देंगे ताकि टमाटर भी पक जाए। तो आइए देख लेते हैं सब्जी, मिला देंगे। ये देखिए टमाटर भी हमारा पक गया है। तो सब्जी हमारी पक कर तैयार हो गई है। अब हम इसे एक अलग बर्तन में निकाल लेंगे। तो ये देखिए गर्मा गर्म मेथी आलू की सब्जी बनकर तैयार हो गई है। अब आप लोग भी बनाइए और खाइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की अच्छी अच्छी रेसिपी आप देखते रहें। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।